उस बूढ़े को राजमहल से बाहर मत जाने दो। केशों से घसीट कर हमारे सामने ले आओ। ठहरो महामंत्री। क्षमा करें महाराज, ये हमारे हित में नहीं होगा। एक भिखमंगा साधु राजा की शक्ति को चुनौती देकर चला गया और तुम उसे रोकना भी नहीं चाहते। राजा के राजदंड की मर्यादा कहां रह गई? आप राजदंड की बात करते हैं परंतु ये भूल जाते हैं किस तपस्वी के पास ब्रह्मदंड है। ब्रह्मदंड? हाँ, आपने वो कथा तो सुनी होगी ना कि किस प्रकार महर्षि वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मदंड के द्वारा राजा विश्वामित्र की सारी सेना को भस्म कर दिया था। महर्षि गर्ग उसी श्रेणी के सिद्ध योगी हैं। उनकी शक्ति को ललकारना हमारे हित में नहीं होगा। हमारी ये चाल ही गलत थी। ऐसे महात्माओं से सहायता लेनी हो तो उनकी दया और करुणा को जगाना चाहिए, जैसे बड़े बड़े दैत्य और असुर अपनी विनती से भगवान शिव को भी प्रसन्न करके उनसे मन चाहे वरदान पा लेते हैं। वैसे ही ये सिद्ध मुनि भी बड़े भोले होते हैं। उनकी शक्ति से टकरा कर नहीं, उनकी दया से ही कुछ मिल सकता है। कंस किसी के पास दया की भीख नहीं मांगता। हाँ, उसे अपनी शक्ति पर भरोसा है। हाँ।